हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन मैं राहुल गौतम आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर और लेके आया हूं आज आपके लिए फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर देखो एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं ना स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं सर नई नई चीजें सीखने को मिल रही है ना इसलिए एक क्वेश्चन एक वीडियो में राइट फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स में हमें एक क्वेश्चन को करके देखना है एग्जामिनेशन में भी एग्जैक्टली exactly इतने टाइम में आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करना होता है राइट सिंपल प्रोसेस है सर जैसे हम करते थे फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस से एक एक आइटम को पिक करते थे उसको लेके जाते थे ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में जैसे भी उसकी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से मतलब कि वो एक्सपेंसेस है इनकम है फिर उसमें भी डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है और उसके बाद वो एसेट्स और लाइबिटी है तो राइट अब एडजस्टमेंट जैसे आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है सर एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट देने पड़ते हैं एक इफेक्ट जाता है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड दूसरा जाता है बैलेंस शीट में क्लियर बात है जी तो चार स्टेप सोल्यूशन में अभी तक हम बैलेंस शीट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट करते आ रहे हैं आज भी उसी चार स्टेप में फॉलो करने वाले हैं आपको मालूम कि मैग्नेट एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता हंड्रेड परसेंट कंप्लीट फ्री एजुकेशन फॉर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम एंड स्टेट बोर्ड्स दैट इज यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड के वीडियो आपको मैग्नेट विन्स पर निःशुल्क मिलते हैं इसके साथ आप हमारे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं इनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है जाके चेक कर लीजिएगा

स्टॉक है फर्नीचर है प्लांट एंड मशीनरी डेटर्स डेटा बेजेस सैलरी डेट्स परचेसेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टेलीफोन चार्जेस जनरल एक्सपेंसेस पोस्टेज एक्सपेंसेस रिटर्न्स इनवर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम कैश इन हैंड कैश बैंक सेल्स कमीशन रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिटर्स एंड कैपिटल ये क्रेडिट साइड गिवन है आपको पास अब इसके बाद क्या लिखा नेक्स्ट पेज पर प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द दर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री एंड वैलेंसिड एज एट द डेट आफ्टर मे टेकिंग इन टू अकाउंट द्वार्स स्टॉक वॉज वैल्यूडेड सेवन थाउजेंड दो जगह जाएगा सर आउटस्टैंड लाइब्रिटेस वे सिक्स हंड्रेड एंड एंड सैलरीज में मार्किंग और ये मार्किंग कर लेना है दोनों में एडजस्टमेंट कर लूंगा ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड फाइव परसेंट फिक्स्ड एसेट्स तो ऑल फिक्स्ड एसेट्स कहां पर भैया आ जाओ फिक्स्ड एसेट्स में क्या है आपके पास फिक्स्ड एसेट्स सर फर्नीचर है इस पे होगा प्लांट एंड मशीनरी है सर इस पे होगा इसके अलावा और कुछ है क्या फिक्स्ड एसेट्स में आपके पास नहीं सर फिक्स्ड एसेट्स में दो ही हैं फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी दोनों पे ही आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देना है नेक्स्ट

मैंने सारे एडजस्टमेंट में मार्किंग कर ली है मैंने सारे एडजस्टमेंट्स की मार्किंग कर ली है है अपने ट्रायल बैलेंस में मेरा स्टेप स्टेप नंबर नंबर इज इज ओवर ओवर नाउ नाउ अब अब क्या करना है? अब तो सर एक एक आइटम को पिक करो उसको रिस्पेक्टिव लोकेशन पर लेके जाओ उसके लिए आपको चाहिए क्या फॉर्मैट तो देखो हेयर अमेट ट्रेडिंग अकाउंट का मैंने फॉर्मेट बना लिया बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया और प्रॉफिट एंड लॉस का भी फॉर्मेट मैंने बना के रखा है आप लोगों के लिए ऑलरेडी ठीक चलो एक एक आइटम पिक करेंगे स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक अमाउंटिंग टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से आपका चला गया ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट आइटम है फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी दोनों जाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड फर्नीचर एंड एंड मशीनरी तो ये रहा फर्नीचर 8000 इनर कॉलम एडजस्टमेंट है ये रहा प्लांट मशीनरी 150000 इनर कॉलम एडजस्टमेंट है 31 मार्च 23 लिख लेना यहाँ पे चलो डन डेटर्स डेटर्स 30000 के हैं और डेटर्स की लोकेशन एग्जैक्टली exactly यही है बैलेंस शीट के एसेट साइड डेटर्स माउंटिंग टू थर्टी थाउजेंड क्लियर चलो सर उसके बाद वेजेस और सैलरीज सर वेजेस जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड ये ट्रेडिंग अकाउंट ये रहा डेबिट साइड टू वेजेस एडजस्टमेंट होने के कारण इनर कॉलम में रिकॉर्ड करूंगा ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज इसके बाद है सैलरीज Salaries जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू सैलरी अच्छा आपको लगता होगा सर ऊपर में ये लाइन क्यों छोड़ देते हैं देखो मुझे नहीं मालूम कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है तो मैं कैरी फॉरवर्ड करके जब लेके आऊंगा उसके लिए मैं एक लाइन पहले से छोड़ देता हूं ठीक है सिंपल लॉजिक है उसका सैलरीज ट्वेंटी थाउजेंड इनर कॉलम में सैलरीज ट्वेंटी थाउजेंड इनर कॉलम में राइट चलो बेड डेट्स वन थाउजेंड तो बैड डेट्स आ गए इधर आपके डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेक्स्ट आइटम आता है आपका परचेजेस वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड परचेजेस कहां जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट टू परचेजिस वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड इनर कॉलम क्यों लिख रहे हो सर रिटर्न्स है मैंने पढ़ लिया था पहले ही मैंने पढ़ लिया था रिटर्न हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस में चलो टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इसके बाद आपके पास टेलीफोन चार्जेस भी हैं टेलीफोन चार्जेस आपके पास टेलीफोन चार्जेस भी हैं इलेक्ट्रिसिटी है 1200 टेलीफोन है 2400. 1200 और 2400 फिर आपके पास और सर जनरल एक्सपेंस 3000 जनरल 3000 जनरल एक्सपेंस 3000 देखो ये 2400 को ना प्रॉपरली लिखो नहीं तो जब टोटल करेंगे ना तो तकलीफ दे देता है कई बार चलो जनरल हो गया पोस्टेज एक्सपेंसेस 1800 पोस्टेज एक्सपेंसेस 1800 टू पोस्टेज 1800 इसके बाद रिटर्न इनवर्ड रिटर्न इनवर्ड क्या है बेसिकली ये सर है सेल्स रिटर्न रिटर्न इनवर्ड बेसिकली क्या है सेल्स रिटर्न यहां पे हम लगते हैं बाय सेल्स और नीचे माइनस करेंगे रिटर्न्स इतने के हैं 1900 हंड्रेड रिटर्न इनवर्ट्स यानी कि सेल्स रिटर्न ठीक है अब है आपके पास इंश्योरेंस प्रीमियम 1500 हंड्रेड रुपीज टू इंश्योरेंस प्रीमियम 1500 हंड्रेड रुपीज इनर कॉलम क्यों देखो टिक लगा हुआ एडजस्टमेंट है 1500 है ना फिर है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कैश इन हैंड और कैश एट बैंक अच्छा ये जाएंगे बैलेंस शीट में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कितना कितना टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी थाउजेंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी थाउजेंड ऑल डन ऑल डेबिट बैलेंसेस आर ट्रांसफर टू द रिस्पेक्टिव लोकेशन नाउ क्रेडिट बैलेंसेस सेल्स टू टू सेवन एट हंड्रेड टू टू सेवन एट हंड्रेड ठीक है फिर आपके पास क्या है कमीशन फाइव हंड्रेड रुपीज कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट इनकम इनकम की लोकेशन क्या होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइव हंड्रेड रुपीज नेक्स्ट आइटम रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न आउटवर्ड सर परचेज से माइनस करेंगे क्योंकि ये क्या है आपके माइनस रिटर्न ये आपके क्या है सर जी आपने जो रिटर्न भेजा वापस वन थाउजेंड चलो नेक्स्ट आइटम आपके पास क्रेडिटस एंड कैपिटल है क्रेडिटस एंड कैपिटल बोथ आर रिकॉर्डेड हेयर। तो आई जस्ट रिकॉर्ड कैपिटल फर्स्ट एंड इनर कॉलम लिखता हूं उसको हमेशा वन लाख फिफ्टी थाउजेंड और मैं क्रेडिटर्स को लिखता हूं इधर क्रेडिटर्स फोर्टी थाउजेंड ये हो गया मेरा सर स्टेप नंबर टू ओवर स्टेप नंबर टू इज ओवर नाउ स्टेप नंबर टू में क्या किया आपने सारे बैलेंसेस को लेके आ गए जब सारे बैलेंसेस को आप लेके आ गए तो अब क्या करना है अब सर एडजस्टमेंट्स करना है तो इसको मैं ये मार्किंग को हटाता हूं ठीक है एडजस्टमेंट्स पे चलते हैं अपन तो. एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूडेड सेवन थाउजेंड तो क्लोजिंग स्टॉक की दो जगह होती है एक इधर और सेकेंड प्लेस होता है इसका क्लोजिंग स्टॉक का ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड तो ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट और ये रहा क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक सेवन थाउजेंड राइट चलो सर हो गया आउटस्टैंडिंग लाइव फॉर वेजेस सिक्स हंड्रेड एंड सैलरीज फोर्टीन हंड्रेड दोनों एड कर देंगे वेजेस में एड कर दो आउटस्टैंडिंग वेजेस इसका मतलब होता है कि सर वेजेस ड्यू तो हो गए थे लेकिन हमने पे नहीं किए सिक्स हंड्रेड फिर इसके अलावा सैलरीज में भी एड कर दो आउटस्टैंडिंग सैलरी तो सिंगल सिंगल इंपैक्ट होगा सर दूसरा इफेक्ट जाएगा लाइबिलिटी साइड में इधर आउटस्टैंडिंग फॉर वेजेस एंड फॉर सैलरीज़ सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टीन हंड्रेड टू थाउजेंड रुपीज इज आउटस्टैंडिंग क्लियर है ना हो गया रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड फाइव परसेंट पर एनम ऑन ऑल एसेट्स एंड मशीनरी इंक्लूड्स मशीनरी परचेज फॉर टेन थाउजेंड ऑन फर्स्ट अक्टूबर अब ये जो फर्स्ट अक्टूबर को परचेज की है इस पर डेप्रीसिएशन लगेगा मार्च सिक्स मंथली और प्लांट मशीनरी कितने रुपए से रिकॉर्डेड है प्लांट मशीनरी रिकॉर्डेड है तो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड में से माइनस कीजिए टेन थाउजेंड तो 1, 40, पे करेगा पूरा एक साल का तो वन लैख फोर्टी थाउजेंड कितना क्या सेवन थाउजेंड हो जाएगा ये होगा डेप्रीशिएशन हो हो पूरा अब टेन थाउजेंड पे चार्ज कीजिए आप फाइव परसेंट इन टू सिक्स बाय ट्वेल्व तो टेन थाउजेंड का फाइव परसेंटेज फाइव हंड्रेड और सिक्स बाय ट्वेल्व कर दीजिए टू हंड्रेड एंड फिफ्टी सेवन टू फाइव जीरो डेप्रिशिएशन वुड बी चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी इसके अलावा आपके पास एक और एसेट है दैट इज फर्नीचर एट थाउजेंड का एट थाउजेंड का फाइव परसेंट फोर हंड्रेड रुपीज तो ये कितना जाएगा सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और यहां पे आएगा डेप्रिसिएशन एट द रेट फाइव परसेंट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया ये आएगा सेवन टू फाइव जीरो सेवन टू फाइव जीरो माइनस किया तो वन लैख फोर्टी टू थाउजेंड वन लैख फोर्टी टू थाउजेंड सेवन फिफ्टी राइट चलो अब ये डेप्रीशिएशन की एक तो ये सही जगह है दूसरी जगह क्या है दूसरी जगह क्या है सर? इधर है टू डेप्रीशिएशन फर्नीचर प्लस प्लांट एंड मशीनरी दैट इज फोर हंड्रेड प्लस सेवन टू फाइव जीरो दैट इज सेवन सिक्स फाइव जीरो हो गया लास्ट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस टू हंड्रेड तो एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाएगा इसको आप माइनस कर दीजिए टू हंड्रेड रुपीज तो इधर आएगा आपके पास वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड इसका सेकेंड इंपैक्ट देना ना भूलें प्रीपेड इंश्योरेंस टू हंड्रेड रुपीज अब मेरे सारे एडजस्टमेंट्स के सारे इफेक्ट्स दे दिए मैंने ऑल एडजस्टमेंट्स फोर में क्या करना है सर आपको बस टोटलिंग करके बैलेंसिंग करना स्टार्ट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम अकाउंट से करना स्टार्ट करेंगे चलो इनको बाहर लेके आओ पहले हो जाएगा ट्वेल्व थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और रिटर्न माइनस करना है इधर से तो ये हो जाएगा वन लैख नाइनटीन थाउजेंड राइट एंड हेयर इट इज टू लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड हाँ सर टू ट्वेंटी सिक्स नाइन हंड्रेड ही होगा तो हो जाएगा टू लैख थर्टी थ्री थाउजेंड टू लैख थर्टी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड हो जाएगा ये भी टू थर्टी थ्री नाइन हंड्रेड करना पड़ेगा टू थर्टी थ्री नाइन हंड्रेड माइनस कर दीजिए जीरो जीरो सिक्स ये हो जाएगा एलेवन प्लस फाइव सिक्सटीन का वन कैरी फोर फाइव वन जीरो जीरो नाइन माइनस सिक्स इज थ्री थर्टीन माइनस सिक्स इज सेवन ट्वेल्व माइनस फाइव इज सेवन ठीक है वन माइनस वन कुछ नथिंग तो सेवेंटी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ये आ गया हमारा क्या भाई ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ पे लेके जाते हैं हम नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे जाते हैं कहां लेके जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दीजिए टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेवेंटी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट सेवेंटी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड यही साइड बड़ा आएगा सेवेंटी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा टोटल ऑफ डेबिट साइड तो ये प्लस में है हो जाएगा ट्वेंटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड और एडजस्टमेंट वाला फिगर बाहर आ गया क्या हाँ एडजस्ट वाले फिगर्स बाहर आ गए सर कर लेते हैं प्लस तो ज़ीरो आएगा सेकंड डिजिट में फाइव आ जाएगा सर थर्ड डिजिट में फोर प्लस टू एज सिक्स टेन एटीन ट्वेंटी वन और सिक्स ट्वेंटी सेवन का सेवन टू कैरी थ्री फोर फाइव सेवन टेन एलेवन ट्वेल्व नाइनटीन का नाइन वन कैरी टू प्लस वन इज थ्री थर्टी नाइन आ गया ज़ीरो फाइव फाइव सेवन माइनस सेवन ज़ीरो सेवनटीन माइनस इज एट सिक्स माइनस थ्री सिक्स माइनस थ्री थ्री थर्टी एट थाउजेंड जीरो फिफ्टी का आ गया प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कहाँ पे जाता है सर जी नेट प्रॉफिट जाता है सर कैपिटल अकाउंट में प्लस होता है नेट प्रॉफिट जो है वो कैपिटल अकाउंट में प्लस होता है थर्टी एट ज़ीरो फिफ्टी प्लस नेट प्रॉफिट थर्टी एट ज़ीरो फिफ्टी तो ये हो गया वन लैख फिफ्टी एट थाउजेंड सॉरी सॉरी वन लैख एट्टी एट ज़ीरो फिफ्टी आप कर लीजिए इनको टोटल तो ये हो जाएगा वन नाइन्टी प्लस ये हुआ फोर्टी तो टू लैक थर्टी थाउजेंड ज़ीरो फिफ्टी क्या यही फिगर आ रहा है इधर भी सर ज़ीरो और फाइव तक तो आ गया अब देखो थर्ड डिजिट में सिक्स प्लस सेवन थर्टीन थर्टीन प्लस फाइव इज एटीन एटीन प्लस टू ट्वेंटी का ज़ीरो टू कैरी हुआ अब सेवन प्लस टू इज़ नाइन नाइन प्लस टू इज़ एलेवन इलेवन थर्टीन थर्टीन प्लस सेवन इज ट्वेंटी नहीं कुछ तो गड़बड़ है फिर से करना पड़ेगा कैलकुलेशन आपको कुछ तो गड़बड़ है हम्म, एक मिनट थर्ड डिजिट में करते हैं सेवन प्लस सिक्स थर्टीन थर्टीन प्लस टू फिफ्टीन प्लस फाइव ट्वेंटी जीरो टू कैरी हुआ तो नाइन 11, 11 प्लस टू एलेवन प्लस टू थर्टीन थर्टीन प्लस सेवन थर्टीन प्लस सेवन इस ट्वेंटी ट्वेंटी का ज़ीरो टू कैरी हुआ तो हो गया फोर सिक्स नाइन थर्टीन थर्टीन हाँ थर्टीन हो गया तो वन टू सही है भैया ये मैंने यहाँ पे एक जीरो कम लिखा था ये एकदम सही है यहाँ पे मैंने एक जीरो कम लिखा था दैट दैट इज वाई ये कन्फ्यूजन हो रहा था टू लैख थर्टी थाउजेंड फिफ्टी डन एक बार में ही बेटा टैली हो जाता है इसी प्रकार से इसी प्रोसेस के माध्यम से आपको अटेंड करना है क्वेश्चन हमेशा एक बार में ही टैली होगा स्क्रीनशॉट कैप्चर करना स्टार्ट कीजिए प्लीज स्क्रीनशॉट कैप्चर करना स्टार्ट करेंगे ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट डन इसी तरह के क्वेश्चंस को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेंस के साथ मैग्नेट ब्रेंस पे आपको मिलता है हंड्रेड परसेंट कंप्लीट फ्री एजुकेशन क्वालिटी कंटेंट के साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं हमारे स्टेप बाय स्टेप आपको कराते हैं एक एक चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं कुछ भी नहीं छोड़ते हैं कंप्लीट पढ़ाया जाता है फॉर सी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम स्टेट बोर्ड में यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड के लिए इसके अलावा स्पोकन सी एन टी एस सी ओलंपियाड के, वीडियोस भी आपको मिलते हैं के। साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ई नोट्स एंड ई बुक्स इनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती जाके चेक आउट कर लीजिएगा मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलते हैं प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट की लिंक होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना ना भूलें थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग